नमस्ते भारत, आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को इमीडिएटली मिल जाए। आज बात की जाएगी एक ऐसे बड़े खुलासे की, एक ऐसे दावे की, जिसको भारतवर्ष की एक ऐसी महिला ने किया है जो भारत का सम्मान और शान रही है, भारत की पहलवान बबीता फोगाट। बबीता फोगाट जिन्होंने भारत को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हर तरीके के मेडल जीत करके दिए हैं। महावीर फोगाट जी की बेटी है। महावीर फोगाट जी ने न केवल गीता बबीता अपनी बेटियों का पहलवान बनाया, बल्कि विनेश फोगाट को भी उन्होंने ही ट्रेन किया। और इनके परिवार के ऊपर, यानी फोगाट फैमिली के ऊपर, आमिर खान ने एक पिक्चर बनाई थी दंगल। उसमें उन्होंने महावीर फोगाट का किरदार भी किया था और उसके साथ साथ इस पिक्चर को प्रोड्यूस भी किया था। 2016 में ये रिलीज हुई थी। आपने, मैंने, हम सब ने जाकर के देखी थी। बहुत प्यार इस पिक्चर को मिला था और मैसिव कमाई इस पिक्चर ने करी थी। अब उसी पिक्चर के बारे में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बबीता फोगाट ने कहा कि इस पिक्चर ने 200 करोड़ रुपए कमाए। कितने कमाए? 200 करोड़, देश और विदेश के अंदर। और 200 करोड़ में से फोगाट फैमिली को कितना दिया? मात्र 1 करोड़ रुपया, ओनली 1 करोड़ रुपया। मतलब जिनकी कहानी, जिनके आधार पर यह पिक्चर बनी, जिस कहानी के आधार पर यह पिक्चर इतनी फेमस हुई, सब लोग इससे कनेक्ट किए, रिलेट किए, देखने के लिए गए, उनको आपने सिर्फ 1 करोड़ रुपया दिया, ओनली 1 CR। सोचो आप। और आमिर खान ने सत्यमेव जयते करके एक कार्यक्रम को भी होस्ट किया इस देश के अंदर, जिसमें वो कहते थे कि भैया इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ बड़ा इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए, मिल बांट करके खाना चाहिए, मिल बांट करके चीजें करनी चाहिए। और अब ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात बबीता फोगाट ने कर दी। एंकर भी सुनकर के दंग रह गए। उनका भी रिएक्शन था कि व्हाट आर यू सेइंग, 200 करोड़, उन्होंने रिपीट किया। तो बबीता ने बोला, जी हां, 200 करोड़, और उसमें से हमें केवल 1 करोड़ मिला। और उसके बाद एंकर ने बोला कि फिर आप लोगों को तो बहुत बुरा लगा होगा, दुख हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी महावीर फोगाट जी ने बोला कि हमें केवल लोगों का प्यार और सम्मान चाहिए, और इसके लिए मैं, महावीर फोगाट जी, आपको सादर प्रणाम करती हूं और आपको सल्यूट करती हूं इस सोच के लिए। आपको पैसा मायने नहीं रखता सर, आपके लिए इस देश की जनता का प्यार, मान, सम्मान मायने रखता है। आप है रियल हीरो, आप है। दिल जीत लिया, मतलब ये बात सुनकर के, ये बात जानकर के। लेकिन आप सोचो कि ये कैसे संभव है, कोई कैसे कर सकता है? मतलब ये कोई प्रोपोर्शनली आपने बांटा है क्या पैसा? कहानी भी आपकी नहीं है भाई, ये कोई फिक्शन तो था नहीं, ये तो फैक्ट बेस्ड पिक्चर थी कि किसी ने स्टोरी लिखी, उसके बाद आपने उस पर पिक्चर बनाई। नहीं, आपके पास एक रियल लाइफ सच्चाई उपलब्ध थी और आपने उसको बड़े पर्दे पर दर्शाया और लोग उस इमोशन, उस सच्चाई के साथ कनेक्ट हुए। मुझे एक एक सीन आज तक याद है ये दंगल पिक्चर का। उसके बाद सब लोग घर में गाना गाया करते थे, बापू सेहत के लिए तू तो बड़ा हानिकारक है, क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट उनको दिखाया गया था। महावीर फोगाट जी को दिखाया गया था कि कितने डिसिप्लिन से वो अपनी बच्चियों को ग्रूम कर रहे थे, तैयार कर रहे थे देश के लिए खेलने के लिए। गोलगप्पे अगर उनके खाने का मन होता था तो नहीं वो खाने देते थे। कितने, मतलब गरीबी, कितने, मतलब अभाव में उन्होंने अपनी बेटियों को तैयार किया। और ये सारी चीजों से लोग, जो आम जनता है ना, वो कनेक्ट हुई। तो ये हिसाब सीरियसली समझ में नहीं आया, 200 करोड़ और उसमें से आप 1 करोड़ उनको दे रहे हो। आई एम श्योर अब तक तो ये बात मिस्टर आमिर खान तक पहुंची गई होगी, क्योंकि अब तो ये जो न्यूज है, इसको सोशल मीडिया और मीडिया ने उठा लिया है। जंगली आग की तरह ये खबर फैल रही है, ये सनसनीखेज खुलासा है, ये कड़वा सच है, बहुत ही, मतलब दिल को हिला देने वाला सच है, अनफेयर वाली चीज है ये। जिसका जो क्रेडिट है, जिसका जो हिस्सा है, उसको आप दे दो ना, क्या परेशानी है? आप भी लो, मैं मना नहीं कर रही। आपने उसको प्रोड्यूस किया, आपने उसमें पैसा लगाया, आपने एक्टिंग करी, बिल्कुल आप लो। लेकिन 200 करोड़ में से 1 करोड़,
मतलब आप स्क्रिप्ट राइटर को भी इससे ज्यादा पैसा देते होंगे जो आपके लिए फिक्शन लिखते होंगे, आई एम श्योर। तो आपने जिनके जीवन को निचोड़ करके पूरे विश्व के सामने रख दिया, आपने उसकी कीमत मात्र 1 करोड़ रुपए लगाई, ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब है सुनने के लिए। तो बस इतना ही इस विषय में मैं आप लोगों को बता रही हूं, क्योंकि ये बड़ी खबर है, इसमें ज्यादा चीजें आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगी। मैंने कल इस पर एक रील बनाई थी जिसको बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया है, बट मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पर मुझे वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में चीजें रखनी चाहिए। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और मैं उन कमेंट्स को पढ़ती हूं, जवाब देती हूं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू कमेंट्स। और ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जो भी आप मेरे देखते हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के समर्थन की, सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। एंड थैंक यू सो मच माय एक्सटेंडेड फैमिली फॉर बीइंग देयर, फॉर होल्डिंग माय हैंड वर्चुअली, फॉर ब्लेसिंग मी, फॉर सेंडिंग सच लवली गुड विशेस टू मी। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।